विधायक खुरला को नेपाल में सर्वश्रेष्ठ विधायक का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर लोगों ने महावा विधानसभा क्षेत्र को अपने काम और जनसेवा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अपने लाडले विधायक के लिए जगह जगह पर तोरण और साफा तथा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है, जिससे एक बार तो महावा विधानसभा क्षेत्र में सर्व समाज के लोगों का जोश देखकर ऐसा लग रहा था कि त्योहार का सीजन शुरू होते ही महावा विधानसभा क्षेत्र में सारे त्योहार एक साथ आ गए हैं और उनका जश्न शुरू हो गया है। सर्व समाज के लोगों के द्वारा महुआ विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करते ही विधायक हुरला का बालाजी मोड़, बालाहेड़ी मोड़, मिनेश धाम मंदिर थाने के सामने और मंडावर रोड और रसीदपुर चौकी पर जोरदार स्वागत किया गया। युवाओं ने अपने युवा विधायक के लिए मोटरसाइकिल की रैली निकाली, साथ ही सर्व समाज के लोगों द्वारा विभिन्न संगठनों के साथ विधायक को फलों और सिक्कों से तोला गया। सर्व समाज के द्वारा उनके सम्मान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम रामकुटी उकरुंद पहुंचने से पहले महुआ से रामकुटी तक उनका काफिला रैली के रूप में पहुंचा, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत माता की प्रतिमा के सामने उन्होंने अपना सर नवाकर अभिवादन किया और मौके पर मौजूद विभिन्न सामाजिक संगठन और जन समूह द्वारा उन्हें 51 किलो से लेकर 101 किलो तक की माला तथा विभिन्न संगठनों द्वारा साफा पहनाकर बधाई दी गई। महावा विधानसभा क्षेत्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया। आपको बता दें कि गौरतलब है कि पिछले दिनों नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति ने विधायक ओम प्रकाश हुरला को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार उनके द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों को लेकर गांधी पीस फाउंडेशन द्वारा नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार